नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वायर्याणं नमो नमो लोये सौवसाहूणम् नमो लोये सौवसाहूणम् ऐसो पंचण मुकारो ऐसो पंचण मुकारो सौव पाव पणासनो मंगलानं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं पडवं हवै मंगलम् सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद
सच्चिदानंद स्वम में सुख और शांति हो कटते जन्म मरण
त्वं सुचरणों में ले लेना, त्वं सुचरणों में ले लेना, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, हमारे भीतर में से तिमिर मतलब अंधेरा मिट गया, ताकि कौन सा अंधेरा कौन सा बच्चे को बोलने दो, आपके लिए और बोलूंगा, आपकी परीक्षा हाई होती है, सीए वाले की हाई होती है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा की परीक्षा अलग होती है ना, तो कौन सा अंधेरा हमारे जीवन में से चला गया, जो भी आता है बोलो, वो तो वो बोले इसलिए आप भी बोले और बोला कि वही बोला, तो कि मैं प्राची हूं, ऐसी जो रॉन्ग बिलीफ थी, गलत मान्यता थी, वो जो अंधेरा था वो अंधेरा चला गया, बराबर। और कौन सा उजाला हुआ, तो कि मैं शुद्धात्मा छू, वो जो सचमुच में हम जो है, ऐसी राइट बिलीफ हमारे अंदर सेटअप होनी, वो महा महा मुश्किल है, उसको भगवान ने उजाला बताया, क्या बताया, तो कि हमारे जीवन में उजाला हुआ, तो कि उजाला होने से फायदा क्या हुआ, लोन सिंह जी अभी तो क्या भाई है ना, बड़े भाई बोलती नहीं है, नहीं है बड़े भाई क्या मैंने क्या बताया पहले, उजाला क्या हुआ, उजाला उजाला हुआ इसका हमें लाभ क्या मिलता है, जो आता है बोल लेगा, उजाला जो हमें हुआ हमारे जीवन में, वो बहुत बहुत मुश्किल से और हमारी बहुत बहुत पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय के रूप में ये उजाला हुआ, तो के जो उजाला हुआ, तो उजाला जो हुआ इनका हमें क्या फायदा हुआ, जो लिख सके वो सही है, प्रसंगोपात जो हाजिर होता है वो ज्ञान है, बस वो हुआ तो बहुत हो गया, इतना ही चाहिए,
कि जो हो रहा है वो क्या है और मैं क्या हूं, उसको भगवान ने भेद विज्ञान बताया। क्या बताया? भेद विज्ञान के सिवाय अलावा कभी किसी का काम नहीं हुआ है। काम होने के लिए भेद विज्ञान होना चाहिए, दीक्षा मिलनी चाहिए। तो आप तो जैन है तो दीक्षा कैसे मिलेगी? वो तो दीक्षा के समय सर मुंडाना पड़ता है, बाल निकालना पड़ता है, क्या करेंगे हैं? निकाल देंगे आप? है? क्या मतलब? हाँ, तो दादा ने कैसी दीक्षा दी हमें कि बिना बाल मुंडन किए बिना, ये कपड़े बदलाए बिना, सफेद कपड़ा पहनने का नहीं, भगवा कपड़ा पहनने के नहीं, कोई कपड़ा चेंज नहीं करने का, आप जो कपड़ा पहनते वो पहनते जाओ। जैसे कोई शादी का प्रसंग आए तो अच्छे जोड़े जोड़ा पहनते, जोड़ा ही बोलते हैं ना कि शादी में पहनते, इसको ही जोड़ा बोलते हैं, सबके लिए जोड़ा है ना। हाँ, मुझे सिखा रहा थोड़ी थोड़ी हिंदी है, अच्छा जोड़ा, अच्छी ड्रेस। हाँ, ड्रेस इंग्लिश शब्द हो गया ना, जोड़ा हिंदी शब्द है ना, और हमारे अंदर गुजराती में जोड़ा का मतलब सूज बोलते हैं, सूज बोलते हैं। देखो भैया, देसी भाषा में बोलते हैं। क्या बता रहा था मैं? ऐसा हमें हाजिर रहना, वो सबसे बड़ी दीक्षा मिल गई हमें। दीक्षा का मतलब क्या? तो ज्ञान को ज्ञान में बिठाना और अज्ञान को अज्ञान में बिठाना, वो भगवान ऐसी दीक्षा देते थे। और ये दीक्षा देने के बाद आप संसार में रहते हुए भी साधु हो गए। क्या हो गए? चलेगा ना है नूर सिंह जी, ये कपड़े के साथ चलेगा ना? देखो चलेगा, बोलो तो कि हम साधु बन गए। और नमो लोए सव साहुणम में आते हैं हम, नवकार मंत्र के अंदर हमारा समाविष्ट हो गया। तो कि जो जो हमारे जीवन में अंधेरा था, रॉन्ग बिलीफ थी, मिथ्या दृष्टि थी, गलत मान्यता थी, वो सब अपने आप छू मंत्र चली गई, अपने आप निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे रूम में अंधेरा होता है और अंधेरे को ऐसे वैसे करते रहेंगे पूरी जिंदगी तक, तो अभी अंधेरा जाएगा नहीं, लेकिन एक स्विच चालू कर देंगे तो अंधेरा को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चला जाएगा। ये जगत के लोग जानते नहीं है कि स्विच चालू करने के बाद अंधेरा अपने आप चला जाता है। इसलिए तब द्वारा, कुछ क्रियाएं द्वारा, भगवान की पूजा के द्वारा, ये सब क्रियाओं के द्वारा अंधेरा को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा ज्यादा बढ़ता है। क्या होता है? क्योंकि तरीका गलत है। ये सब चीजों से आपका पुण्य बनता है। क्या बनता है? पुण्य बनता है, लेकिन मैं कौन हूं वो जानने में नहीं आता है। वो जानने में आ गया तो आपका अंधेरा अपने आप चला गया। अभी अंधेरा चला गया, उजाला हुआ, तो उजाला का हमें क्या लाभ मिलेगा, वो पूछ रहा था मैं। हाँ। तो कि उजाले का हमें क्या लाभ मिलता है, जो आता है बताओ। अंशु देवी, अभी देवी बोलना पड़ेगा आपको, नहीं चलेगा? यहाँ तो ऐसा होता है, नहीं देवी बोलते हैं ना, चलेगा मामा? चलेगा, मामा बोलेंगे तो चलेगा, चलेगा। है नहीं, जैसा बोलते हैं वैसा हो जाना चाहिए हमें। क्या होता है ऐसा? मैं अंदर से शुरू हो जाए, मैं आपका पुत्र बोलूं तो आपका पुत्र कैसा होना चाहिए मुझे अंदर भान रहता है। इसलिए देवी बोलते तो पता चला देवी कैसी होती है, देवी कैसी होती है। हाँ देखो, और वो देवी कैसी? हाँ, अंशु भी सती हो गई ना? नहीं हो गई, नहीं हुई है? कौन अंशु? हाँ, अंशु है, शॉर्ट कर दिया नाम। देवी का मतलब क्या? कि कोई भी हमारे सामने
कैसा भी अटैक करे तो भी हम उसके सामने अटैक नहीं करें, उनका नाम देवी। आप बराबर है ना, पास करना हो आप अपनी भांजी इसलिए पास कर दे, ऐसा नहीं करने का। क्या बताया देवी का अर्थ? जो कोई भी हम पर अटैक करे, हाँ, वापस अटैक नहीं करे, वो देवी है, वो देवी का रूप है, भगवानों के वहां मान्य देवी हो गई। क्या हो गई? हाँ, और भगवान के चारों ओर जो देवियां होती है वो खुश हो जाती है। क्या? कि आप अभी भगवान के बताए हुए राह पर चल रहे हैं, भगवान के दिखाए हुए राह पर चलते हैं तो सभी देव देवियां हमारे पर राजी हो जाती है। क्या होती है? हाँ, और वो राजी होने से हमारे जीवन में कोई तकलीफ दिक्कतें नहीं आती है। यहाँ हो ना, साथ में बैठो ना, शादी के साथ में तो बैठे थे साथ में, तभी बैठो ना, बैठने का मौका है इसलिए आओ ना, हाँ साथ में बैठो ना। हाँ, इसलिए तो वो मूवी है, हम साथ साथ है। क्या है? ये साथ साथ होने का एहसास करवाता है सब। क्या? कि हम साथ साथ में है, सब इधर उधर हो गए थे ना, इसलिए ऐसा आता है, सब सामने हमारे सामने आते हैं, कोई चीज अपने आप सामने नहीं आती है। तो क्या नाम है? दौलत कमर। दौलत ही नाम है, दौलत ही रखो ना, मुझे सर लंबा याद नहीं रहता। तो के मैंने बताया मीमा देवी जी, आपको भी देवी बोलेंगे, भांजी देवी होती जाए ना। तो के मैं मीमा देवी हूं, वो जो कितने जन्मों से हमारे अंदर गलत मान्यता चल रही थी, जो हम नहीं है वो होकर घूमते रहते थे, और जो नहीं थे वो होकर घूमते थे, इसलिए इस संसार में भटकने का होता था। जब भगवान आते हैं तो हमें सचमुच में बताते हैं कि आप, ये तो मीमा देवी आपका नाम है, क्या है? पहचानने का एक साधन है, लेकिन आप सचमुच में कौन हो? तो कि मैं शुद्धात्मा हूं। इतना हमें भान हुआ तो हमें भगवान की दृष्टि में जो हम थे वो हम हो गए। क्या? भगवान की दृष्टि में जो थे वो हम हो गए, इसलिए भगवानों का चारों हाथ हमारे ऊपर होते हैं, उसके अंदर रहते हैं आप, जो हम है इसके अंदर रहते हैं तो भगवानों के चारों हाथ हमारे ऊपर होते हैं, दो हाथ नहीं होते हैं तो आर्टिफिशियल भी हाथ आ जाते हैं। क्या करते हैं? नहीं होते है। पैर भी लगाते ना आर्टिफिशियल, तो भगवान का दो हाथ तो होते हैं, दो हाथ और आ जाते हैं, क्योंकि खुश हो गए भगवान। क्या हो गए? भगवान कब खुश रहते हैं? कि आप जो है वो हो जाते हैं तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम खुश करने के लिए क्या क्या चीज करते हैं पूरे दिन, है? भगवान को मनाने के लिए क्या क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, क्या क्या करते हैं? भगवान बोलते हैं मैं खुश नहीं हूं क्योंकि आपके अंदर से वो अंधेरा गया नहीं है, इसलिए क्या अंधेरा जाए तो मैं खुश होता हूं। बोलो तो दादा, भगवान ने सबसे बड़ा कार्य किया, अंधेरा दूर कर दिया। जो भगवान खुश हो जाए, उनको पता था कि किस तरह भगवान खुश होते हैं, इसलिए हमारे अंदर से अंधेरा दूर किया और हमारे जीवन में उजाला हो गया। उजाला का मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, वो हा, और भान, और वो हर समय हमें याद रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूं। नींद में से अभी आपको जगा कर बोलेंगे ने कि आप कौन हो, तो आप अच्छी तरह से बोलेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूं। बड़े बड़े साधु को उठाकर बोलेंगे कि आप कौन हो,
तो बोलेंगे मैं तो आचार्य हूं, मैं साधु हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं। क्या हूं? भगवान बोलते अभी भी आप रॉन्ग बिलीफ में, गलत मान्यता में ही चल रहे हो। और गलत मान्यता में रहने से मोक्ष कितना दूर चला जाता है? क्या होता है? गलत मान्यता में रहने से मोक्ष कितना दूर चला जाता है? मोक्ष को दूर करने के लिए हम जिम्मेदार है। क्या बताया नूर सिंह जी? मोक्ष को दूर करने के लिए हम जिम्मेदार। कितने अच्छे बोलते हैं, बोलो भैया, कितने अच्छे आप लोग भैया। आपको भैया की कीमत नहीं है कुछ है नहीं? मैंने कहा कुछ बोला? मीमा देवी जी समझ में आया? चलेगा ऐसा बोलेगा, चलेंगे ना? चलेगा। हाँ, पेट ने मतलब अच्छा लगता है ना? नहीं, मुझे तो पता चला कि दौलत का नाम है, जब इन्होंने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी ना। इसलिए जो हमारी गलत मान्यता के कारण हमारी फेसबुक गलत चल रही थी, कैसी चल रही थी? और राइट मान्यता बैठने से, सही मान्यता बैठने से, सम्यक दृष्टि मिलने से हमारी पूरी फेसबुक चेंज हो गई। क्या हो गई? फेस आनंद में आ गया हमारा। जो हम दुख में रहते थे, सुख होते हुए भी पूरे दिन दुख के अंदर रहते थे, तो हमारा पूरा फेस चेंज हो गया। भगवानों का जैसा फेस है, भगवान हर समय कैसी भी परिस्थिति आती है तो उनका फेस आनंदमय होता है। क्यों आनंदमय रहता होगा उनका फेस भगवान का? रात को ही दर्शन करो तो आनंदमय। हाँ, 24 घंटे। क्यों ऐसा रहता होगा? भगवान के अंदर ऐसा क्या था? कुछ कुछ और सा कुछ बोया हुआ था भगवान के अंदर है? तो भगवान का फेस पूरा हर्ष्यमय रहता है। क्यों ऐसा रहता होगा? उसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? वो परम सुख में है। आप क्या बोलते हो? भगवान है ना, उन्होंने सब, भगवान तो हम ही है, हम भी है भगवान। सब जान लिया है? सब जान लिया। क्या जान लिया? ज्ञान में। ज्ञान में तो हम कहाँ, किस में रहते हैं अभी? हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम जो है उनकी प्राप्ति हुई, तो भी हम रॉन्ग बिलीफों के पल्ले में बैठ जाते हैं। किसमें बैठे हैं? क्योंकि हमारा अध्यास वह है, और ये अध्यास को मिटाने के लिए, निकालने के लिए हमारा अभ्यास नहीं है अभी। क्या एक युग में स्वामी जी कैसे चलेगा? एक युग में कैसे पूरा होगा है? ये तो एक जीवन में ऐसा पूरा हो ही रहा है। जब से राइट मान्यता बैठ गई, तब से पूरा होने की शुरुआत हो चुकी। इसका उसका पूरा जीवन दी एंड की ओर जा रहा है। जैसे मूवी चालू हुआ तो समझ लेने का दी एंड आने वाला ही है, समझे? और जब तक हमने हमारा खुद का भाग नहीं हुआ, इसका दी एंड कभी नहीं आता है। इसलिए हम दी एंड की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए पूरी मान्यता तो निकलेगी ही आपकी, क्योंकि जैसे भरकर आए हुए हैं वैसा कचरा तो निकलेगा ही, क्योंकि वही सेटअप हो चुकी है हमारे जीवन में। क्या हुआ है? वही सेटअप हो चुकी है, क्योंकि जैसे गणित की बुक होती है, इसमें जो छप चुका है बराबर, और कितनी भी पुरानी हो गई, नहीं भी बाहर पाड़ेंगे तो भी क्या आएगा? वही जो छपा हुआ है वही आएगा ने? है? नहीं आई तो भी वही आएगा, समझे? इस तरह अंदर से जो निकल रहा है हमारे अंदर से, उस समय एक जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? शुद्धात्मा का निकल रहा है ना मीमा देवी? किसका निकल रहा है? नहीं, जो हमारे अंदर से कचरा निकल रहा है वो शुद्धात्मा का निकल रहा है ना? शुद्धात्मा का निकल
शुद्धात्मा में तो खतरा है ही नहीं। लो ऐसा बोलते हैं, बोलो किसका निकल रहा है? जो अमल मेरा कौन माँ मीमा देवी का निकल रहा है, बस इतना लक्ष्य रखने का बहुत हो गया। भगवान बोलते हैं PAS हो गया, क्या हो गया? पास बोलते हैं, पास को जो गया वो भी पास बोलते हैं, चला जाता है ना, पास हो गए क्या बोलते हैं, और एग्जाम में भी पास होते हैं उसको भी पास बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो इतना ही हमें रहा कि जो भी कचरा निकल रहा है वो मीमा देवी का है बस, और मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो आप एकत से बाहर निकल गए, इतने संयोग में आप परमात्मा हो गए एक संयोग में, क्या हाँ। इसलिए शुद्धात्मा आपको प्राप्त हुआ है, वो अवलंबन वाली स्थिति है, क्या अभी हमें शब्द का अवलंबन है कि मैं शुद्धात्मा हूं, और ऐसे हम रहे तो हमारी परमात्मा दशा निरालंब दशा खुली हो गई। अभी हम शुद्धात्मा के आधार पर जीवन जी रहे हैं, अवलंबन है शुद्धात्मा का, लेकिन वो अनुभव हो गया आपको, बाद में हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप रहता है। समझ में आई बात है? इसीलिए जैसे जैसे संजोग आते हैं, ये संजोग हमें हमारी गलत मान्यताओं में से बाहर निकालने के लिए आते हैं। क्या बताया? गलत मान्यताओं को बाहर निकालने। हाँ संजोग बोलो, ये संयोग तो आते हैं संजोग, पर उसके 5-10 मिनट बाद में पता चलता है कि संयोग है तो खड़ा हो। पता तो चला नहीं, पहले तो पता ही नहीं चलता था, अभी पता चला तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना वो समय कम होता जाएगा, क्या जैसे जैसे हम रोड पर चलते चलते जाते हैं तो हमारा घर आने का समय कम होता जाता है, नहीं होता जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं इस तरह वो समय कम हो जाता है, बाद में तुरंत ही अजर हाजिर होता है। जब तक तुरंत हाजिर नहीं हो जाता है तब तक इतनी हमारी जागृति की कमी है, आता है उस समय पे 5-10-15 मिनट लगता है। इसीलिए भगवान ने बताया कि जो उजाला हमें प्राप्त हुआ तो वो उजाला ही हमें, वो उजाला ही हमें सुख देने वाला है। उजाले के बिना सुख है ही नहीं, क्या बताया? हाँ उजाले के बिना हमारे पास अपना माना हुआ सुख है, किसी चीजों में से लिया हुआ है, सचमुच में सुख नहीं है। उसको भगवान ने साता असाता बताया, क्या बताया? साता असाता बताया, क्या बताया? और साता असाता को भगवान ने वेद में बताया, क्या बताया? वेदना, वेदनीय कर्म बताया, क्या बताया? 4 जो अघाती कर्म है, 4 अघाती कर्म, तीर्थंकर भगवानों को 4 घाती कर्म पूरे हो गए, पूरे हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इसीलिए उनको अरिहंत भगवान बोला जाता है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक अघाती कर्म रहते हैं, वो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जब तक शरीर है तब तक वो है, शरीर नहीं तो वो कर्म गए। तो कौन कौन से अघाती कर्म होते हैं? तो क्या आयुष्य कर्म, बराबर, तीर्थंकर भगवान का आयुष्य कर्म होता है, बराबर, बाद में गोत्र कर्म होता है वो भी शरीर के साथ जुड़ा होता है, बाद में वेदनीय कर्म वो भी शरीर के साथ आसाता आसाता देती है, और नाम कर्म, तीर्थंकर नाम होता है सिमंदर स्वामी भगवान, वो नाम कर्म है, क्या है वो भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कि ये हमारे अंदर अभी
ये साता असाता वेदनीय कर्म हमें भी होता है और ज्ञानी को भी होता है और तीर्थंकर भगवान को भी होता है, लेकिन हम वेदने वाले बन जाते हैं। क्या होता है? वेदनीय कर्म को भुगतने वाले बन जाते हैं। जब ऐसा कोई दुख आता है तो हम बोलते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसी वेदना का हम अनुभव करते हैं। और तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी ये वेदना को जानने वाले होते हैं। क्या होते हैं? तो क्या किसको हो रहा है? शरीर को नहीं, क्या नाम? मीमा देवी को हो रहा है। इतना बोलेंगे तो भी कितना फर्क पड़ जाएगा आपकी जिंदगी में। इतना शब्द बोलने से सिर्फ ये शब्दों में इतनी ताकत है। ज्ञानी पुरुष ने दिया हुआ शब्दों में वचन बल होता है और वो ताकत हमारे अंदर काम करती है। कभी बोलकर तो देखो आज मैं गया, बरोबर मेरी कहानी सुनाता हूं। हाँ, आशा देवी सुन रहे हो तो माफ करना। मेरे जो खाना था मुझे बिल्कुल छूट नहीं था। आज जो खाना था मैंने नवीन ने बताया कि आपका मांगा हुआ आया हुआ है, शांति से इसका निकाल कर। तो मैं मुझे जो पसंद नहीं था वही पहले खाया। क्या किया? ऐसे हमारी प्रकृति टूटी है, जो हमें पसंद नहीं है उसको पसंदगी वाला बना देना, ये प्रकृति की तोड़ने की बात करता हूं। आशा जी आप सुन रहे हैं तो नहीं, अंदर हो सुन रहे हो इसलिए। हमारा मांगा हुआ, हमारे अंदर जो पहले के परमाणु पड़े हुए हैं इसके आधार पर सामने खाना मिलता है। और अभी हमारा अभी भी बदल गया कि ऐसा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि परिस्थिति अलग अलग हो गई। मेरा गुजरात में जन्म हुआ तो मुझे गुजराती चाहिए खाना। पहले राजस्थान में था तो मुझे ऐसा था कि ऐसा खाना बहुत बढ़िया बनता है, इसलिए वो परमाणु चार्ज हो चुके हैं और वो परमाणु अभी निकल रहे हैं। समझ में आती है बात? तो नवीन ने मैंने बहुत आराम से खिलाया, जैसे थोड़ा भी ठंडा खाना आ जाए मुझे जरा भी पसंद नहीं, फिर भी नवीन ने मैंने बताया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब खाओ नवीन आदमी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बोलो ऐसी अंदर क्या बोल रहे? गोठवणी करवानी है ना, शू कहवाया? नहीं गोठवणी करवानी, अरेंज इन इंग्लिश में बोलते हैं अंदर सेटिंग कर लेने का। भगवान अनार्य देश में गए तो थोड़ा उसको पसंद था, लेकिन भगवान ने पसंद के वाला बना दिया। क्या बताया? भगवान जेल में भी महल देखते हैं। कविराज ने पद में लिखा है ना, भगवान जेल में भी महल देखते हैं, राम ने कुटिया में भी महल देखा। बोलो, ये दृष्टि का फर्क है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि की खड़ी हो जाती है, इसलिए भगवान अंदर बिल्कुल एडजस्ट होते जाते हैं कोई भी संजोग में। चलो ऐसे संजोग में राम को कैसे रहता है मैं देखूं तो सही। अभी तो महलों में गद्दी में अच्छी अच्छी गद्दी में सोने का मिलता था, पंखा हिलाने वाली मिलती थी, सब मिलता था। अभी कुदरत नेचर का पंखा आ रहा है। क्या बोलते हैं? भगवान ऐसे करके सेटिंग कर देते हैं। क्या मैं अभी गया पाटन में, दूसरे घर पर उतरा हुआ था, आप भी सुनते हो तो सुन लेना, हो आपके घर की बात आपको बताई हुई है लेकिन फिर से करता हूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में एसी नहीं है, चलेगा आपको? मेरे को बहुत पसंद है मुझे। मैं क्या बोला? नवीन से उल्टा मैंने बोला, क्या मेरे को मुझे बहुत पसंद है? नहीं, मुझे बोलते बाजू में ही जैन धर्मशाला पंचासर बहुत बड़ा देरा सर है पाटन का, बहुत फेमस है वहां का, बराबर ना? तो वो उसकी धर्मशाला है, उसमें एसी रूम सब है, मैं बुक करवा दूं? मेरे को नहीं, नवीन की एग्जाम तो होनी चाहिए ना, नवीन को ऐसी परिस्थिति में कैसे रहते हैं मुझे मालूम होना चाहिए। तो मैं दो दिन रहा ऐसे में, और मैं ऊपर के माले में रहा, ऊपर की मंजिल में ही। अंदर सेट करने का आया हमें, क्या? हाँ, जितना आप सेटिंग करेंगे, नवीन तेरा उदय आया,
तो पूरी आपको ठंडक लगेगी, क्या लगेगी, लेकिन मुझे ऐसे रहने का, मुझे ऐसा रहने का, तो आपको गर्मी लगेगी, क्या लगेगी। और उसके पहले मैं दूसरे घर में अहमदाबाद में था, वहां वो महात्मा कितने अच्छे होते हैं, वो खुद बाहर गर्मी में सोते थे और मुझे एसी में सुलाया, कैसे महात्मा है बोलो, ये भगवान के रूप नहीं है महात्मा है, देखा कौन ऐसे रहता, चलो एसी कमरा छोड़कर बाहर गर्मी में सोना और आप तो पुत्रों को एसी में सुलाना, तो उनको मालूम है कि कौन आया है। मैंने क्या किया, मैं एसी में सो जाता था, 5-10 मिनट चलाओ बाद में बंद कर देता था, क्या करता था, मुझे मालूम पड़े कि कैसे गर्मी ये लोग गर्मी में रहते होंगे, समझ में आया। तो कि इस तरह हमें हमारा जीवन जीने का है, भगवान सभी संयोग में एडजस्ट हो जाते हैं, भगवान को जब निकले तो भगवान का वस्त्र धारण किया तो वो सब निकल गया बरोबर, बाद में भगवान को लोगों ने पत्थर मारने लगे क्योंकि शरीर नंगा हो गया ना, शरीर पर कपड़ा ही नहीं था, इसलिए बोलते नंगा भाव आया, नंगा भाव आया, ऐसा करके भगवान को पत्थर मारे, क्या मारे, वो थोड़े पहचानते कि भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, वो तो आम आदमी समझ के मारने लगे उसको, तो भगवान बोलते सिर्फ पत्थर ही मारते हैं ना, मेरा हाथ पार तो काट नहीं दिया उन्होंने, क्या भगवान ने देखा, भगवान सभी बातों में एडजस्ट हो जाते थे, और जो एडजस्टमेंट लेते हैं इसको कोई दुख नहीं है, क्या बताया, ये डिसएडजस्टमेंट का दुख है संसार में, जो हमें देखना चाहिए वो नहीं देखते और जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, इसका दुख है। भगवान तो उदय के अधीन थे, भगवान ने देखा कि कैसा उदय आ रहा है, मेरा मांगा हुआ ही आया हुआ है, इसमें ये लोगों की क्या गलती थी, मेरे बड़े भैया ने तो बोला आप रुक जाओ आप रुक जाओ, फिर भी मैं गया, क्या महल छोड़कर, क्या छोड़कर, महल छोड़कर, हम महल छोड़कर जाएंगे, नहीं नहीं आपको जाना है तो जाओ प्रताप सिंह जी, मुझे नहीं आना है, क्या बोलेंगे। और भगवान इतना सारा महल होते हुए भी अपने उदयों के अधीन चलने लगे, भगवान सिर्फ उदय देखते हैं, उदय कि मेरा उदय कैसा आया है, और उदय अपना ही क्या बोले सेटिंग किया हुआ है, अपने आप तो उदय आता ही नहीं, हमें ऐसा लगता है मैं जंगल में होता तो कैसा अच्छा रहता, ये सब लोगों के से दूर हो जाता, किसी की मगजमारी नहीं रहती, ऐसा हमने भाव किया है और ऐसा मिलता है, इसमें किसी की गलती कहां है, कोई भेजने वाला कोई नहीं है, हमारे कर्म ही हमें भेजती है, हमारा व्यवस्थित शक्ति हमें ले जाती है, कहीं भी ले जाती है, और हम किसका किसकी गलती देखते हैं बोलो, दूसरों की गलती देखने से अंधेरा छा जाता है, क्या होता है, हमारा इतना उजाला जो बाहर निकलने वाला था वो नहीं निकला, और ये उजाले को बाहर नहीं आने के लिए सबसे बड़े निमित्त हम है, क्या बताया, उजाला को बाहर नहीं आने के लिए सबसे ज्यादा बड़े निमित्त हम है। अब अपने ही पांव पर कुम्हाड़ी मार दे, कुम्हाड़ी से क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी मार दे हमारे पांव पर ही, क्या बोल रहे थे, जो जो हमारे जीवन में आता है हम नहीं बुलाए तो भी आता है, वो सब उदय कर्म है, जाने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं उसको सही ढंग से जाने दो, ज्ञान में रहकर जाने दो, क्या बताया, तो हम अज्ञान के अंदर रह के जाने देते हैं उनको, और अज्ञान के रूप में जाने देने से ये उदय पीछे वापिस आता है, और ज्ञान के हिसाब से उदय को जाने देने से वो फिर से उदय आता नहीं है, अपना फल देकर चला गया और अपना खुद का आनंद खुला करके चला गया, क्या दो चीज बताई मैंने, क्या क्या बताई प्राची, नहीं दो चीज बताई मैंने, जाने के लिए आता है, जाने के लिए आया, अपना फल देकर गया, और नया कोई कोई भी
वो अपना अपनी अस्थि छोड़ के नहीं गया वो, और अपना आनंद खुद का बढ़ता गया। दो चीज, दो लाभ होते हैं हमें, डबल धमाका क्या बोलते हैं उसको, तो डबल धमाका का लाभ लेना चाहिए कि सिंगल धमाका का लाभ लेना चाहिए? हाँ, इसलिए भगवान जब उदय आते हैं ना, ओहो हो, किसका उदय आया? हम तो बोलेंगे ऐसा कहां से आया, ये कहां से आया, बोलते हैं कि चलो अभी दोपहर में बाहर जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, शाम को 4-5 बजे के बाद जाएंगे। अभी उदय आया है आपको ये शरीर को ठीक करने के लिए। क्या होता है शरीर को ठीक करने के लिए ऐसे उदय आते हैं? क्या आप ऐसे गर्मी में रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो? आपका ज्ञान कैसा अंदर परिणमित हुआ है उसका वो चकासने को क्या बोलते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। कुदरत व्यवस्थित शक्ति टेस्टिंग करती है, और आप सहज होते हैं तो आप तुरंत ही कोई भी विचार किए बिना चले जाते हो, और अंदर आपको ऐसा रहेगा कि ये प्राची जा रही है, ये अंशु जा रही है, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी होते हुए भी कुदरत का पंखा चलेगा, क्या बाहर भी इतनी हवा होगी कि वो गर्मी की असर भी नहीं होगी आपको। समझ में आती है बात जी? थोड़ी थोड़ी के पूरी। नीमा देवी क्या बताया, बोलो आपने फिर से बोलो। क्या बाहर जाते हैं तो मुझे लग रही है, कौन बूम पाड़ता है? मीमा देवी बूम पाड़ती है ना। हाँ, तो मीमा देवी को बोलना कि आप ऐसे रखो ना, बाहर जाएंगे कुदरत का पंखा चलेगा, क्या कुदरत नेचर की हवा चलेगी, आपको धूप भी नहीं लगने देंगे। देखो ऐसा अनुभव तो करो, दादा ने कुछ भी बताया हुआ है इसका अनुभव नहीं करने का, टेस्टिंग नहीं करने का है। कोई भी चीज जाती है पहले बनाते हैं तो टेस्टिंग के लिए नहीं जाती है लेबोरेटरी में, बाद में टेस्टिंग होने के बाद बाहर पड़ती है वो चीज। तो हम जितनी टेस्टिंग होते हैं ना, इतने भगवान होते जाते हैं। टेस्टिंग में पास होना चाहिए, कैसा? एक के एक संयोग आपको अनुभव दशा में स्थित करने के लिए आते हैं। अभी हमें अनुभव करना है कि वही जगह पर रुकना है, क्या करेंगे? हाँ, इसलिए जितना भी हमें उजाला प्राप्त हुआ है तो उजाला का पूरे दिन लाभ लेते जाओ। भगवान पूरे दिन उजाला का ही लाभ लेते थे, समझ में आई बात? समझ में आई कि नींद में आई? नींद। दादा भगवान एक बार क्या बोलते थे अपने को कि आप भगवान का इंतजार करके बैठे हुए हैं, भगवान आएंगे, और भगवान आते हैं तो सो जाते हैं, क्या बोलते ऐसे हमें भी दादा भगवान के पास में होता था, दादा भगवान बोलते थे हम सोते रहते थे, क्या करते थे? इसलिए गुजराती माँ बतावे कि ऊंगना जुए उकड़ो, तो कहवे उकड़ो किसको बोलते हैं? वो कचरा डालते हैं इसको उकड़ा ही बोलते हैं। जब नींद आती है ना कहीं भी सो जाते हैं, देखते नहीं कि कौन सी जगह है, कोई भी जगह पर। हाँ, इसलिए कबीर साहब बार बार बोलते थे भूख लगे तब कछु ना सूझे, क्या बोलते थे? ज्ञान ध्यान सब रोटी में, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, आग लगे जब पोठी में, क्या बताया? एक आग लगती है पोठी में तब कैसा भी खाना दो ने हजम हो जाता है, क्या होता है? जैसे राजा होता है जंगल में, क्या बोलते भूला पड़े ना सुखे भाई, भटक गया हो, तो
तो उनको राज अपने दरबार में जैसा खाना मिलता वैसा मिलेगा, सूखी रोटी मिलेगी तो अभी दे दो ना मुझे, तो अभी दे दो ना मुझे, वहां सूखी रोटी भी उनको खाने की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? इसलिए हर समय जैसे भी संयोग आए अंदर उजाला का उपयोग करने का शुरुआत कर दो, और हमारे पर नहीं लेने का, जिसका है इसको देने का, जिसकी पोस्ट है उसको देने की, उसकी पोस्ट हमें नहीं ले लेने की, बाजू वाले की पोस्ट हम ले लेते हैं कि उनको दे देते हैं। डाक डाक इंग्लिश जैसे आपके पर कुछ भी आता है ना, कोई कुछ भी देते हैं तो आपकी पोस्ट है, वो आपका आपकी टपाल है। क्या है टपाल? तो गुजराती से टपाल डाक, मैं डाक तो बोला पहले। हाँ तो के डाक हमारी है इसलिए दिया, वो अपने आप देने नहीं आते है, आपका नाम लिखा ये हुआ है इसलिए आते है, डाकिया डाक लेकर आता है। क्या होता है? हाँ आप मुझे बोलने वाले कौन, आप मुझे डांटने वाले कौन, ऐसे करके वो डाकिया को वापिस भेजते हैं। क्या करते हैं? अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है मोक्ष में जाने की, अभी बार बार आएगा, जितना होगा इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अरे थोड़ा डाक देने के लिए आते हैं, आपकी होती है तब आते हैं ना, आपका नाम लिखा हुआ है बोलते हैं, मैं थोड़ा आपके घर आने के लिए, गुजराती नवरो क्या हुआ है, वो नवरो थोड़ा होता ही है, मेरे पास फालतू टाइम थोड़ा है जो मैं आपके पास से हिंदी सीखता हूँ। ऐसे करके वो अंदर भी ऐसा का ज्ञान काम करता है, लोगों को पूछ पूछ के करने का, तो ज्ञानी हो जाते हो। क्या होते हैं? जैसे हमें कहीं जगह पर जाना है, रास्ता मालूम नहीं है, तो कोई छोटा लड़का मिलता है इसको भी पूछते रहे कहाँ जाता है भाई रास्ता, ऐसे ऐसे करके हम जो मंजिल पर पहुंचना है वो मंजिल पर हम पहुंच जाते हैं। क्या होता है? समझ में आती है बात? अंशु भगवान की जितनी जितनी बात समझ में आती है इतना इतना हम रिलैक्स होते जाते हैं, मुक्त होते जाते हैं, अपने सच्चे सुख का अनुभव होते हैं, परमानेंट सुख का अनुभव होते हैं, आत्मीय सुख का अनुभव होता है। समझ में आया? इसीलिए उजाला हमें प्राप्त हुआ है, उजाला का उपयोग साथ साथ में करता जाओ। हम क्या करते हैं? अभी हमें अज्ञान को पकड़कर, अंधेरे को पकड़कर बैठे हुए हैं। क्या किया हुआ है? अंधेरे को पकड़कर बैठे। और भगवान कभी भी अंधेरे को हाथ में भी नहीं लेते थे, कितना भी अंधेरा उनके सामने आया तो अभी भगवान बोले, भगवान ने बताया मैं तो उजाला का ही उपयोग करूंगा, तो जितना अंधेरा आना है इतना आने दो। क्या बताया भगवान ने? क्या नाम आपका है? नाम क्या आपका? प्रकाश है। प्रकाश है, प्रकाश जी बोलो, प्रकाश को प्रकाश मिल गया है। क्या है? भगवान बोलते जितना तुम्हें अंधेरा आना है इतना आने दो, मैं उजाला में ही रहूंगा। क्या बताया? जितना अंधेरा आने दो, मैं उजाले में रहना है। क्यों? कि मुझे संसार से बाहर निकलने का है इसलिए। क्या बताया? हाँ, संसार से बाहर निकलना है तो उजाला का उपयोग करो, संसार में अभी रहना है थोड़ा टाइम तो अंधेरा का उपयोग करो। अंधेरा बोलता है मुझे क्या, आप मुझे चिपक जाते हो, मुझे आपको चिपकना नहीं है, ये तो पहले चिपके हुए इसलिए मैं आया हूं। क्या बताया? आप पहले चिपके हुए है, जितना समय आपने मेरे पीछे दिया है इतना ही समय दूंगा, एक मिनट भी इधर उधर नहीं दूंगा। कैसे? क्या बताया? और हम क्या करते हैं? ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, कब जाएगा, ये बोलते धक्का मारोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मेरा समय होगा मैं तब चला जाऊंगा। ये चाय भी अंदर से बोलती है जब तक मैं खत्म नहीं हूंगी
अंदर अंदर जितना आप पी नहीं जाओगे तब तक मैं रहूंगी, क्या बोलते हैं, जब तक आप पी नहीं जाओगे तब मैं अंदर रहूंगी, आप पी जाओगे तो मैं नहीं रहूंगी, कटोरी खाली हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी। बराबर है ना? इसलिए वो अंधेरा है ना, अपना चलन चलाने के लिए जाएगा, मैं हूं ना, उजाले का उपयोग क्यों करते हो, क्या बोलेंगे वो, अज्ञा शक्ति, क्या बताई दादा ने, अज्ञा शक्ति, अज्ञा शक्ति है, अज्ञा शक्ति बोलती है आपको प्रज्ञा शक्ति प्राप्त हुई तो आप मेरा उपयोग क्यों करते हो, मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूं, क्या बोलते हैं, हाँ आप मुझे मेरे साथ रहना है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, क्या बताया, हाँ अज्ञा और प्रज्ञा। ज्ञान के पहले हमारे अंदर अज्ञा शक्ति थी, अज्ञा शक्ति का मतलब संसार में भटकाने वाली शक्ति, इसको रॉन्ग बिलीफ बताया भगवान ने, क्या बताया, वो भटका रही थी और बाद में प्रज्ञा शक्ति प्राप्त हुई तो वो हमें संसार में से बाहर निकालने की कोशिश करती रहती है, क्या करती है, क्योंकि बहुत बहुत दयालु है वो प्रज्ञा देवी, कैसी है, दयालु। प्रज्ञा शक्ति को दया आती है कि कब बाहर निकलेंगे, ये कब बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलना तो मैं आपके साथ ही हूं, घबराना मत, क्या बताया। लेकिन आप अज्ञा का उपयोग क्यों करते हो, उसको साथ में लेकर क्यों घूमते हो, और बोलता है कि मुझे एक अवतार में मोक्ष में जाना है, मुझे सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाना है, तो अज्ञा शक्ति बोलती मेरा उपयोग मत करो, वहां जाना है तो प्रज्ञा का उपयोग करो, मुझसे बड़ी है बहुत, क्या पहले ज्ञान के पहले मैं बड़ी थी, क्योंकि आपको प्रज्ञा शक्ति का अनुभव नहीं था, इसलिए अब मैं छोटी हो गई हूं, अभी प्रज्ञा शक्ति बड़ी है तो उनका उपयोग करो, बड़े लोगों का उपयोग करो, ये छोटे लोगों का उपयोग क्यों करते हो, ऐसा बोलती है अंदर है, मेरे अंदर तो बोलती रहती है, रूढ़ सिंह के अंदर भी बोलती है, बोलती है देखो भैया कितना अच्छा है, तो बिल्कुल बोलते कि नहीं अच्छा है भैया, कितने अच्छे है, देखो कितने समझदार है, मैंने वो मैसेज रखा ना कि मैं आ रहा हूं, तो उन्होंने क्या लिखा, आपने कभी लिखा, उन्होंने लिखा आपका स्वागत है और हमारा सौभाग्य है, क्या बताया, इतना भी शब्द अंदर लिखा ने तो भी अंदर कितनी बढ़ोतरी होती जाती है आत्मा के पक्ष में, क्या होता है, ये मुझे अच्छा लगाने के लिए नहीं बोला, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, क्या किया, हा आगे बढ़ने का, भगवान के सामने जितना भाव होता है ना इतने कितने सारे कर्म हमारे उखड़ जाते हैं, क्या होता है, मैंने कहा ऐसा बोला, ये तो उन्होंने लिखा इसलिए मैंने बताया कि क्या है, आगे बढ़ने का मौका मिले इसलिए बताया, ये मेरा महत्व बनाने के लिए मैंने नहीं बताया, ऐसा जब संजोग आया तब बताने की जरूरत पड़ी, क्या नहीं विमोर हो गए, क्या हो गए, अचानक जैसे भगवान महावीर स्वामी सरणिक राजा के घर पर गए, जीवन में पहली बार किसी के घर पर गए भगवान, और उनको देखकर इतना भाव हुआ और तीर्थंकर गोत्र उपार्जन हो गया, क्या हो गया, एक ही बार दर्शन करने से, बोलो कैसे भाव, कैसे दर्शन किया होगा भगवान का, ते शास्त्र में क्यों लिखा, तो कि भी ऐसा भाव होना चाहिए, भाव अंदर बढ़ाने के लिए ये लिखा गया है, कि नहीं सैनिक राजा का महत्व बताने के लिए, समझे, कैसे भाव होते तो सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, बोलो, इसलिए जैन धर्मों में भी भाव का महत्व बताया गया है, क्या भाव का, क्रिया का नहीं बताया गया है, क्रिया तो लोग बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन इसके पास इसके पीछे ऐसा भाव होना चाहिए,
भगवान भाव के भूखे होते हैं, बहुत बार बोले लेकिन कभी ऐसा भाव आया भगवान के ऊपर? सबरी के पास क्या था? सिर्फ भाव था। ये बात मुझे पाटन में याद आई। क्यों? नवीन बहुत बुआ बुम करता था, ले लेने ऐसी रूम। क्या बोलता था? मैंने बताया नवीन को, राम भगवान कुछ बोले थे झोपड़ी में तो कुछ भी, पंखा भी नहीं था, दीवाले भी नहीं थी, तो भी भगवान उसके घर पर गए। क्यों? चलो मैं देखूं तो सही, अभी ये गद्दी पर सो गया था और बैठने के लिए बड़ा सिंहासन था, अभी कौन सा आसन मिलता है मैं देखूं? तो कहे जैसे भी आसन मिलेगा, लेकिन मैं मेरे आसन पर से क्यों नीचे उतरूं? क्या बताया? अपना कौन सा आसन? नीमा देवी हाँ, वो सबसे बड़ा सिंहासन, वो सिंहासन के ऊपर से कोई उठाने वाला नहीं है, वो बाहर का सिंहासन के ऊपर से कोई उठा सकता है हमें, लेकिन अपने सिंहासन पर कोई उठा सकता नहीं है, और भगवान वही सिंहासन पर बैठते थे। क्या बताया? निर्भय सेठ। कैसी? निर्भय सेठ, कोई भी भय मगर की सेठ। अरे बैठो आप भाई के साथ बैठो। भाई के बहुत तो क्या है, बहुत सुधर रहा है, है? भाई के द्वारा बहुत सुधर रहा है, बहुत सुधर रहा है। हाँ देखो तो अच्छा भैया है ना आपके, हाँ तो इसके साथ बैठना चाहिए, इसका इसका परमाणु मिलते हैं, लाभ मिलता है। अंशु बैठती नहीं है कभी पापा के साथ, बैठती है? अच्छा तो ठीक है, मैं जानता नहीं हूँ इसलिए क्या करूँ, गलती हो गई। मैं आराम से बातें करता हैं। वाह वाह, हरेक संजोग में भगवान अपने सिंहासन पर बैठते थे, निर्भय सिंहासन। कैसा? कोई भी भय बिना का सिंहासन। और हम कौन से सिंहासन पर बैठ जाते हैं? बोलते नहीं मीमा देवी, हम कौन से सिंहासन पर बैठे हैं? ऊपर बैठ जा, इधर आ जा, गाड़ी से ऊपर बैठ जा, आप इधर आ जा। हम कौन से सिंहासन पर बैठे हैं प्राची? हम अभी कौन से सिंहासन पर बैठे हैं? सुख वाला सिंहासन के दुख वाला सिंहासन पर बैठे हैं? बोलो नेहा ने, नेहा ने, नेहा ने आपका नाम? रिया, रिया, मैं तो भूल जाता हूँ, क्या वो बुढ़ा हो गया ना ऐसा? अंशु मुझे बुढ़ा बोल दिया, क्या करूँ मैं, को जो भी है तो सही में नहीं बुढ़ा, तो लेकिन है तो सही ना बुढ़ा, लेकिन मैं हूं तो सही ना। आप तो जवान मतलब जाने वाला जवान जवान। तो भगवान अपने सिंहासन पर बैठे थे, और जो सिंहासन राम भगवान जो सिंहासन पर बैठे थे, महावीर भगवान जो सिंहासन पर बैठे थे, उनको पूरी तरह से पता था कि ये शरीर है तब तक ये सिंहासन है, और मेरा सिंहासन जो है वो कभी नहीं जाने वाला सिंहासन है। क्या बताया? कभी नहीं। नीमा देवी बोलो, अभी तो भैया साथ में आ गया है, है? वो कभी नहीं जाने वाला सिंहासन। हाँ, एक कभी जाने वाला सिंहासन नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं इसके ऊपर से, किसी भी ताकत नहीं है इसके ऊपर से उठा सके आपको, क्योंकि आप वो देखते हैं वो सिंहासन उसको दिखाई नहीं देता है, तो जो सिंहासन दिखाई देता है उसके ऊपर से उठाएंगे आपको। हाँ, निर्भय सीट है, कौन सी? शुद्धात्मा वाली। और हम पूरे दिन शुद्धात्मा के सिंहासन पर बैठे हैं कि मीमा देवी के सिंहासन पर बैठे हैं?
नहीं नहीं धोबी हो लेकिन ये जान जान के रखने का नहीं, जान पाता है। जाना हुआ है तो काम आएगा नहीं आता जैसे हम बोलते ना पेट में पड़े पड़ा काम करेगा खाना पेट में पड़े पड़ा काम करेगा क्या बोलते हैं खाना ज्यादा खा लेते हैं बोले पड़े पड़ा काम करेगा अंदर क्या बोलते हैं पेट में खाना हमारा गुजराती में कहवा है पढ़ियों पढ़ियों अंदर काम कर से पेट में खावा सुधा इन हिंदी बोलो ना पेट में पड़ा हुआ काम करेगा क्या हाँ तो ऐसे हम हमारे अंदर पड़ा हुआ ही है दादा ने ऐसा सिंहासन दिया है ना वो कभी भी किसी परिस्थिति में इधर उधर नहीं होने वाला है वो आगे ही ले जाने वाला सिंहासन है क्या और वो सिंहासन आपको मुक्त करके ही रहेगा क्या करेगा एक के एक क्षण मुक्ति का अनुभव करवाता है वो और भगवान ऐसे सिंहासन पर बैठे थे वो सिंहासन पर बैठे थे ना राजगद्दी वाला सिंहासन तो भगवान बोलते हैं तो तेरा उदय कर्म है पुण्य का उदय है इसलिए वो सिंहासन आपको मिला हुआ है क्या पुण्य के आधार पर सिंहासन मिलता है ना बाहर वाला तो है और अंदर का सिंहासन पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से मिलता है तो कौन सा बड़ा हुआ अंदर वाला सिंहासन तो भगवान को कैसी भी परिस्थिति आती थी तो भगवान बोलते कि मैं मेरा सिंहासन नहीं छोड़ूंगा तुमको कितना आना है तो आओ मैं मेरे सिंहासन पे ऊपर से हटूंगा नहीं ये सिंहासन पर से कई कई ने हटाया भगवान को बैठने वाले थे भगवान ने देखा ये सिंहासन राम के उदय में नहीं है क्या राजगद्दी आपके उदय में अभी नहीं है कैसा देखा और हम क्या देखेंगे उन्होंने मुझे गद्दी पर से उठा दिया तकलीफ शुरू हो गई क्या वो एक ही शब्द अंदर गलत सेट हो गया ने तो तकलीफ बारा हो जाता है और भगवान एक भी ऐसे गलत शब्द को घुसने नहीं देते हैं उसको जागृति संपूर्ण जागृति बोलते उसको क्या संपूर्ण जागृति वाले ऐसी चीजों को अंदर कभी भी घुसने नहीं देते क्या बताया और हमारे अंदर जागृति की कमी की वजह से उसको अंदर स्थान दे देते हैं आओ आओ आपको भी बिठा देता हूं क्या बोलते हैं भगवान इस पर बैठने वाले थे ना तो अभी खुश नहीं थे क्योंकि ये तो जाने वाला है सिंहासन इसके खुश होकर क्या करूंगा भरत को बोला तू बैठने भाई नहीं मुझे नहीं बैठना है आपकी चेयर पर मैं कैसे बैठ सकता हूं तो जो इसके लायक है भगवान है इसको सीट है मैं इसके सीट पर नहीं बैठूंगा क्या बताया उन्होंने भगवान का परम विनय किया उन्होंने और परम विनय से मोक्ष है क्या है परम विनय से मोक्ष है समझ में आया तो भगवान ने ऐसा देखा कि कहीं कहीं मुझे कौन कहां उठाने वाली है मेरा उदय कर्म आया हुआ है उसके ऊपर नहीं बैठने का तो अभी मुझे कौन सी सीट पर बैठने का कौन से सिंहासन पर बैठने का मेरे सिंहासन पर आ जाओ अभी राम क्या बताया हाँ आपको राम शब्द मिला है तो राम के जैसे रहो आपको लोग क्या मानते हैं ऐसे रहो जैसे लोग मानते हैं वैसे रहो तो अपनी सीट अपना सिंहासन पर आ गए और अपने सिंहासन पर बैठे हैं उनका आनंद कभी भी जाता नहीं है उनको हर हमेशा परमानंद रहता है क्या रहता है अपनी सीट पर जो सेट होते हैं वो इसलिए भगवान का मुखारविंद आनंद वाला था चलो अभी कौन सी सीट मिलती है वो देखेंगे राम को मेरी सीट तो कहीं भी वो तो जाएगी नहीं वो तो पत्ते पर सो जाते थे तो अभी देखा हो कितने नेचर में रहने का मुझे मिला क्या देख रहे भगवान नेचर में रहने का मुझे मिला झोपड़ी में तो रहने का मिला मुझे क्या देखते हैं बाहर तो नहीं सोता उनमें और हम क्या बोलते साली झोपड़ी मिली झोपड़ी मिली झोपड़ी मिली और झोपड़ी का आनंद भी चला गया महल का आनंद भी चला गया दोनों चला गया
बोलो कैसे भगवान दे, ऐसी ऐसा अनुभव हमें हर संजोग में करने का है, अपने सिंहासन पर बैठने का। कोई उठाने वाला नहीं इस पर से, आराम से बैठो, इजी चेयर है, इजी सिंहासन है। कैसा है ये तो अनइजी हो जाएगा कि उसके पास अभी वो गलत मान्यता पड़ी हुई है, इसलिए इसी सिंहासन पर बैठ जाएगा। मुझे ऐसा या बता तो कैसा मिलेगा, तूने जैसा भाव किया ऐसा तो मिला हुआ है, लोग तो उसका फल देते हैं, तेरा कर्म पूरा करने के लिए आए हुए हैं लोग, तो अभी इधर उधर क्यों होता है, कर्म पूरा करना है तो पेंडिंग रखना है आपको, क्या करना है बस। कुदरत बोलती है कि पूरा करने भाई, मोक्ष में जाने की बातें करते हैं हर दिन, मुझे मोक्ष पाना है, सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाना है, तो ऐसे लोग होते हैं सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाने के लिए। सियास भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, सिमंदर स्वामी भगवान का कैसे दर्शन हो सकते हैं, तो अपने सियासन पर से कभी नहीं उतरे तो। भगवान तो जो चीज मिलती इसमें खुश थे, क्या दे, नवीन को बोलने का खाना तो मिला नहीं, क्या बोलने का, इधर उधर क्यों होता है, थोड़ा आवाज के साथ बात करने का नहीं माने तो, बच्चा बात नहीं मानते तो आवाज से नहीं करते, ऐसे इसके सामने आवाज करने का, खाना तो मिला तुझे स्वाद चाहिए है? लोग कहेंगे दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोलेगा? अंदर बात कर रहे हैं, अंदर का अंदर बात करने की। कभी बाहर निकल जाए। ये तो प्रतीक है। भगवान ने बताया जो अंदर की बात है वो बाहर लाने की नहीं है, और जो बाहर बात चले वो अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जो बात चलती है वो अंदर ले जाते हैं तो तकलीफ होती है, और अंदर की बात बाहर बोलते हैं लोग पागल बोलते हैं। अंदर बात करने की। ओहो मीमा देवी कैसा संयोग आया देखो, कि ये आपका आपका ही किया हुआ आया हुआ है, अभी भुगत लो शांति से। ये तो आता है। बोलने का अंशु को खबरदार, कभी कुछ शब्द भी बात करो, क्या है बोलने का, जैसा आशा ऐसा उदय के साथ रहते रहना सीखो, क्या हाँ सब किसका सामने वाला है, खुद का उदय आता है ना, सामने वाला का भी उदय ही होता है ना, हमें बोलता है, हमें कहता है, हमें डांटता है, वो सामने वाले का उदय है। क्यों उदय ऐसा आया उनको, हमारे अंदर कैसा उल्टा सुल्टा पड़ा हुआ है, तो उनको बोलने की जरूरत पड़ती है, कहने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि प्रतिकूल संजोग आत्मा का विटामिन है। आपको विटामिन नहीं खान पीना है, मजबूत नहीं करना है आत्मा को, ये तो शरीर को पूरे दिन मजबूत करते जाते हो, क्या अच्छे अच्छे संजोग आए तो शरीर मजबूत होता है, और ऐसे नहीं हमें पसंद होने वाला संजोग आते हैं तो आत्मा को मजबूत करते हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई विटामिन खुटता, विटामिन नहीं होते थे, विटामिन की दवा नहीं लेते, इस तरह विटामिन देने के लिए आए। ओहो सास तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या बोलने का, ऐसे विटामिन पिलाने वाले कौन है, छोटे बच्चे थे तो विटामिन पिलाते थे ना, क्या बोलते ग्राइप वाटर नहीं बोलते उसको, ग्राइप वाटर क्यों पिलाते थे, उसको नहीं पसंद है तो भी पिलाते थे, दवाई कितनी भी कड़वी होती है तो भी पीते है ना, क्यों पीते है, हम ठीक हो जाए इसलिए, तो ये दवाई पिलाने वाले हमें ठीक करते हैं, तो उनका उपकार मानना चाहिए ना हमें, उनका ठीक करते हैं तो कोई है। भगवान बोलते हैं कि कोई ऐसा प्रतिकूल संयोगों को भगवान ने बहुत उसका मान दिया हुआ है, भगवान ने प्रतिकूल संयोग को, ओहो आप आए पधारिये सा मुजरो सा, क्या बोलेगा अपनी भाषा में बोलो ने? भगवान भी खुश हो जाए कि मेरा दिया हुआ सिंहासन पर बैठे हैं, बोलो भगवान को खुश करना है कि लोगों को खुश करना है,
भगवान खुश हो गए तो लोग भी खुश हो जाएंगे और अंदर अपने अंदर भी भगवान खुश हो जाएंगे। ओ हो मुझे मेरा मुझे बाहर आने का मौका देते हैं, क्या करेंगे भगवान, मुझे प्रकाशित करते हैं, मेरे ऊपर जो लेयर है वो हटाने का अभी उसको अकल आई उसकी, क्या दिमाग ठिकाने आया उनका, उसके ऊपर कर्मों के आवरण पड़े हुए वो निकालने के लिए। और जब तक नहीं निकलेंगे ऊपर के पड़े हुए आवरण लेयर, तब तक आप यहां से छूट नहीं सकते हैं, समझे। इसलिए कर्मों के ऊपर जो लेयर लगे हुए हैं, पुराने कर्म पड़े हुए हैं, वो लोग सामने से आते हैं उसको पूरा करने के लिए, तो कौन क्यों हम इधर उधर हुए। अपने सिंहासन पर बैठकर काम करो। हाँ अंदर बोल देने का, हंसो सीट पर से मत उतरना, बहुत बढ़िया सिंहासन मिला है, सोने का सिंहासन मिला हुआ है, ये लोहे के सिंहासन पर मत बैठना, क्या बोलने का, बोलती नहीं है, बोलो ने अंदर, बोलो तो सही, बोलो अंदर ऐसा बोलो ने, बोलो क्या, नहीं नहीं इधर बोलो मेरे सामने बोलो, तो अंदर पक्का हो जाए, अंशु सोने का सिंहासन मिला हुआ है, जोर से बोलो, अंशु सोने का सिंहासन मिला हुआ है, इस पर ही बैठने का, उतरने का नहीं, लोहे के सिंहासन पर। हाँ ये तो लोहे का सिंहासन है और उसको गिलेट किया हुआ है, क्या पानी चढ़ाया हुआ है और बोलते वो हो सोने का है, नहीं है ये तो पानी चढ़ाया हुआ है सियासन, अपने सियासन में पानी बानी चढ़ाया हुआ नहीं होता है, प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट का क्या बोलते हैं उसका गोल्ड है। बोलो ये बोलने का कि भगवान की तरह आपको भगवान बना दिया है, लेकिन अनुभव से भगवान हो जाओ भी इस सियासन पर बैठकर, क्या बोलते नीमा देवी, हाँ सिंहासन पर मैं उठने का नहीं, बोलते कि बहुत अभी पैर दुख रहे हैं, बहुत कमर दर्द हो रहा है, तो बोलना नीमा देवी तेरा भाग, तो तेरा सिंहासन वो, क्या बोलने का, और मेरा सिंहासन कौन सा, मैं शुद्धात्मा हूं, तो बहुत पड़ जाएगा इस पे, देख रहा अनुभव करके देखो, मैंने नवीन को बताया ऊपर सो गया ताला, नवीन गर्मी है नहीं बिल्कुल, क्या बताया तो लगी नहीं, बोलो एक एक शब्द का असर होता है, जितने शब्द बोलते हैं इसकी असर छोड़कर जाते हैं वो, बोलो सबसे पहले खुद ही शब्द बोलो अपने लिए, अपने लिए ही बोलने का ने, क्योंकि हमें मोक्ष जाना है, क्या है, हाँ इसलिए ऐसा बोले, बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरा भाग नहीं भीमा देवी आपका, कितने लोगों का सर खाया होगा तब सर दुखता है, हाँ अभी ये गोली ले दो, कौन सी गोली लेने की, नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं, सबसे बड़ी गोली, ये गोली लेने के बाद अपने सर दर्द चला जाएगा, गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनुभव करके तो देखो, गोली तो कम ही लेती हूँ जब, नहीं ऐसे ये गोली ले लो ना, ये गोली में पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और दर्द चला जाता है, क्या होता है, नहीं पैसों का खर्च कुछ भी नहीं, नहीं प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं, नहीं डॉक्टर के पास जाने का, गोली खा लेने का तुरंत ही, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पांच दस बार बोल देने का, क्या हाँ देखो बाबे नीमा देवी का भगवान के रूप होते जाते हैं, कल मैं आके बोलूंगी, हाँ अनुभव बताना कब, क्या हाँ बोलेंगे कि आज रसोई घर में नहीं जाना है, बहुत तबीयत अच्छी नहीं है, तो बोलने का चल भाई नीमा देवी चलो आगे बढ़ो, तो अंदर देखो गायब हो जाएगा सब, अपने आप से बात करनी, हाँ बहुत बड़ा प्रयोग है, उसको भगवान ने ठपका सामायिक बताया गया है, क्या
क्या बोलते हैं इसको, ठपका को ठपका ही बोलते हैं, ठपका सामायिक बताया गया है, अंदर लेकर जाकर बोलने का है, बाथरूम में शीशा हो तो मीमा देवी मैं आपके साथ में हूं, घबराना मत, क्या बोलने का, समझ में आया, भगवान भी खुश हो जाएंगे कि मेरे मेरी बताई हुई बातों का उन्होंने उपयोग किया, भगवान तब खुश होते हैं, भगवान की कृपा अपने आप उतर जाती है इतने बोलने से अंदर जाकर। हर बात में बाहर का सभी भाव मीमा देवी का, इसका हाँ, और अंदर जो चल रहा है वो हमारा भाव। अंदर के भाव को मजबूत करते जाओ तो हम बाहर के भाव को मजबूत करने जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे हुआ तो बाहर का भाव मजबूत हुआ, और बोलेंगे मीमा देवी तुम्हारा तो अंदर का भाग मजबूत हुआ। अपन धीरे-धीरे स्ट्रांग होते जाएंगे, हाँ बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे, बाद में कोई भी संजोग हमें हिलाने वाले नहीं बनेंगे। भगवान ने वही सिंहासन मजबूत कर किया। भगवान 12.5 साल तक देखा उन्होंने, महावीर भगवान ने, कि मेरा सिंहासन मुझे मजबूत कर लेना है। जो भी अंदर आया विचार आया महावीर को, या किसी ने पत्थर मारा तो महावीर को, किसने मारा हाँ, और जो जो अंदर गलतियां देखा दी गई उसको साफ करते गए, ऐसे ऐसे कर अंदर केवल ज्ञान प्रकट हुआ। 12.5 साल के बाद अंदर का सभी कचरा साफ कर दिया। 12.5 साल तक में उन्होंने देखा कि मेरा आयुष्य बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए 30 साल की उम्र में वो बाहर निकले और 42 साल के उम्र में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और वो 30 साल तक चला, 72 ईयर तक, 72 साल की उम्र तक। दादा भगवान को ऐसा हुआ 50 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्रकट हुआ, और 88 तक चला, 58 में ज्ञान प्रकट हुआ, उनका भी 30 साल में शुरू हुआ, समझे, क्योंकि भगवान के साथ में रहने वाले थे वो, कौन थे, सैनिक राजा के रूप में। जब वो तीर्थंकर बनेंगे सैनिक राजा तो उनकी आयु भी 72 ईयर की होगी, जैसी महावीर स्वामी की थी इतनी, उनका लांछन भी नीचे सिंह का भी आएगा महावीर भगवान के जैसा ही, क्योंकि भगवान महावीर को संपूर्ण समर्पित थे वो, क्या थे, समर्पित भगवान को, भगवान के अलावा कुछ भी उसको दिखता नहीं था, क्या बताया, भगवान के अलावा उनको कुछ भी दिखता नहीं था, क्या बजरंग बली को भी हनुमान को भी राम भगवान के अलावा कुछ भी नहीं, किसी ने डांटा उसको तो अभी हो मेरे राम डांट रहे हैं, क्या दिखते थे, बोलो ना प्रकाश जी क्या दिखते थे, किसी ने डांटा उनको तो वो क्या देखते थे, किसने डांटा, भगवान ने डांटा मुझे, राम भगवान ने मुझे डांटा, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है भगवान डांटते हैं तो, और सबके अंदर दादा बैठे नहीं है, सबके अंदर दादा नहीं है, है? इसलिए ऐसी दृष्टि के साथ हमें जीवन जीना है। आई बात समझ में प्रकाश जी, हाँ अभी नाम तो है प्रकाश जी लेकिन अपना प्रकाश ना करते जाओ, अंदर का प्रकाश, हाँ लून सिंह ने तो शुरू कर दिया प्रकाश खुला करने का, लेकिन वो बहन को बताता नहीं है कुछ, प्रकाश खुला करते हैं तो बहन को बताना चाहिए ना, सब पता है, हैं सब पता है, आपसे भी आगे है, बिल्कुल लो लो कितना अच्छा भाई है बोलो चलो पूरा करेंगे, पूरा करेंगे प्राची।
कल कंटिन्यूटी करेंगे आगे, बरोबर। जय सच्चिदानंद। सब खा रहे इसलिए मन नहीं बुलाते, क्योंकि झूठा मुंह से नहीं बोला जाता।